हेलो दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सी एप्लीकेशन से आप बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। यहाँ पे आपको GST की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, कौन सी एप्लीकेशन है, इस वीडियो में मैं बारी बारी स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। इस एप्लीकेशन के इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिजनेस समरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका दिन में कितना सेल हुआ, कितना ऑर्डर हुआ, ये सभी आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। और भी आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैनेज बिजनेस, ग्रो बिजनेस, यहाँ पे आप सभी चीज़ें आपका काम का है, सभी आप एक बार बड़ी बारी आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कूपन आप देख रहे हो, आप अपने कस्टमर के लिए कूपन को क्रिएट कर पाओगे। यहाँ से मैं एक कूपन आपको यहाँ से क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे कूपन को क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट कूपन पे क्लिक करके आपको कूपन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कैसे कूपन को क्रिएट करना है। आप यहाँ पे रेंडमली आप किसी भी नंबर को यहाँ पे डाल दे दीजिए। मैं यहाँ पे एक रेंडम नंबर डाल रहा हूँ, उसका एक्सपायर डेट सभी आपको यहाँ पे डाल देना है, कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा। मैं यहाँ पे फ्लैट 50% डिस्काउंट यहाँ पे रख रहा हूँ, कितना तक शॉपिंग करने के लिए उसको ये कूपन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 999 रख दिया है। इस तरह से मैं कूपन को क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए मेरा कूपन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरा ऑलरेडी और भी कूपन है, यहाँ पे आप जब एक्टिव करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से कूपन को डायरेक्ट कस्टमर को शेयर कर पाओगे और अपनी जो स्टोर है स्टोर पर यहाँ पे सेट कर पाओगे इस कूपन को। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले का एक 4 कूपन है, यहाँ पे अभी मैंने एक आपके सामने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे कूपन को शेयर कर पाओगे। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स है आपको देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके सेल कर पाओगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर पर आपका कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा यह आपको शो होने लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट दिख रहे हो, प्रोडक्ट पे आपका जितने भी प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग किया है सभी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगेगा। मैं यहाँ पे कैसे आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोटो को ऐड करना है। तो आपके पास गैलरी पे है तो गैलरी से ऐड कर सकते हो, नहीं तो फ़ोटो खींच के भी ऐड कर पाओगे। तो मैं यहाँ से गैलरी से फ़ोटो को ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या चीज़ है यहाँ पे मेंशन करना है, कितना प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है, MRP क्या है, सभी को मेंशन करना है। यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास कितना है ऑलरेडी वही भी मेंशन करना है, उसका बड़ी डिटेल्स पूरा डिटेल्स जो है सभी यहाँ पे फिलअप करना है आपको। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको भी इस तरह से ऐड करना है प्रोडक्ट, ये बॉक्स टाइप है, बोतल टाइप है, और यहाँ पे आपको डालना है कौन सी टाइप का है प्रोडक्ट, क्वांटिटी कितने पीस है आपके पास वही यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे करके आपको सेव कर लेना है तो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग हो जाएगा। जो जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है सभी को आप बारी बारी यहाँ से लिस्टिंग कर लीजिए। और एक बात, वो साइड में आप देख रहे हो मैनेज पे आपको आना है, और बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग है, इनको एक बार आप चेक कर लीजिए कौन सा सेटिंग करना है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे आप थीम्स भी चेंज कर पाओगे अपने स्टोर का। और वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो सेटिंग है, एक सेटिंग है आपका डिलीवरी सेटिंग और एक अकाउंट सेटिंग, ये 2 सेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे डिलीवरी सेटिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितना दूर तक आपका डिलीवरी दे पाओगे ये सब यहाँ पे सेट करना है। डिलीवरी चार्ज आप लेना चाहते हो या फ्री में देना चाहते हो, डिलीवरी चार्ज कितना लेना चाहते हो यहाँ पे आपको सेट करना है आपको। और एक सेटिंग करना है पेमेंट सेटिंग पे आप जब जाएंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक COD का, तो COD का वो ऑन रहेगा, आपको अकाउंट पे ऐड अकाउंट करना है तो कस्टमर का और एक सुविधा मिल जाएगा। या जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करने लगेगा उसको COD के साथ साथ अकाउंट का जो मतलब डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर पाएगा बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे शेयर करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा आपका यहाँ
कैसे शो होगा, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, अभी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जब मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी दूसरे मोबाइल से यहाँ से बाय कर रहा हूँ। बाय करने के बाद कैसे इंटरफेस देखने को आएगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे 4 ऑर्डर ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर कंफर्म करके आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप किसने कितनी टाइम तक आप कस्टमर को उस पार्सल को शिप करोगे वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप जब कुरियर पे लगाओगे, तब आपको डिस्पैच पे क्लिक करके कुरियर का जो ट्रैकिंग आईडी होता है वहाँ पे लिखना होता है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। कुरियर सर्विस का नाम और ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे फिल करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक मैसेज मिल जाएगा उसका पार्सल शिफ्ट हो चुका है। यही था इस एप्लीकेशन का प्रोसेस। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा सा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।